हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक की टेक्नो चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने टेक्नो और इन्फिनिक्स मोबाइल में RTL मोड को ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि RTL मोड होता क्या है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि RTL मोड एक ऐसा मोड होता है जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल का राइट साइड के लेआउट को लेफ्ट साइड में स्विच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब RTL मोड को ऑन करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि RTL मोड होता क्या है और उसका काम क्या होता है। RTL मोड को ऑन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद आपको अपने मोबाइल में डॉल्पर सेटिंग को ऑन कर देना होगा। अगर आपको नहीं पता कि डॉल्पर सेटिंग को कैसे ऑन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना होगा और यहाँ पर बिल्ड नंबर पर 5 बार क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल का पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद आपकी डॉल्पर सेटिंग ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी डॉल्पर सेटिंग पहले से ऑन है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम पर और सिस्टम के बाद यहाँ पर डॉल्पर ऑप्शन देख सकते हो, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको अपने मोबाइल को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको RTL मोड फाइंड करना होगा। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मेरे को RTL मोड मिल चुका है। तो सिंपली आपको RTL मोड के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद RTL मोड ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे मोबाइल में RTL मोड ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे मोबाइल का राइट साइड का लेआउट था वो लेफ्ट साइड स्विच हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर स्विच हो चुकी है, मतलब दूसरी तरफ चेंज हो चुकी है और यहाँ पर आप नेविगेशन बार को भी देख सकते हो, ये भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और दोस्तों, अब आपको कमेंट में बताना होगा कि इसके फ़ायदे क्या है। अगर आप अपने मोबाइल में RTL मोड को ऑन करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप RTL मोड को कैसे ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉल्पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सिंपली यहाँ पर आपको डॉल्पर ऑप्शन को ही ऑफ कर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी डॉल्पर ऑप्शन को ही ऑफ कर दिया है, तो इससे मेरी जो RTL मोड की जो भी सेटिंग थी वो ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने मोबाइल में RTL मोड को यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चल दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।